दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्निकल एक्सेल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, जाके जरूर देखिए, कौन से 15 के आसपास ऐसे स्मार्टफोन है जो दिसंबर मंथ में इंडिया में लॉन्च होंगे या हो सकते हैं। उसमें एक स्मार्टफोन था जो कहा जा रहा था कि नवंबर दिसंबर में लॉन्च होगा, बहुत पहले से ही, ऑनर का। वैसे ऑनर ने एक स्मार्टफोन लॉन्च किया था, आपको मालूम है, ऑनर 90। प्राइसिंग इसकी 37,000-38,000 रखी थी, जो बहुत ज्यादा थी, लिटरली बहुत ज्यादा थी। बाद में सेल में इसका प्राइस 25,000 रुपए तक आया था, सारे ऑफर लगा के, तो काफी कम कर दिया था। वैसे फिर अभी 30,000 के आसपास चला गया, मेरे हिसाब से ज्यादा है, ठीक है। लेकिन ये तो उनका सेमी फ्लैगशिप वाला स्मार्टफोन था। अब एक स्मार्टफोन वो ला रहे हैं मिड रेंज बजट में। वैसे ये स्मार्टफोन जो है ना, ये BIS पे लिस्ट हो गया है, एंड इसके अलावा सऊदी अरेबिया एंड मलेशिया और चाइना में भी X50 5G के नाम से जा चुका है, ठीक है, दूसरे नाम से जा चुका है। सबके ऊपर डिस्कस करेंगे कौन सा स्मार्टफोन होगा। वैसे जब उन्होंने लॉन्च किया था उस टाइम उन्होंने प्रॉमिस किया था कि दिसंबर के मंथ में वो एक और स्मार्टफोन लेकर आएंगे, ऑनर का। नाम क्या है? ऑनर X9B। ये स्मार्टफोन मलेशिया एंड गल्फ कंट्रीज में लॉन्च हो चुका है, एंड सबसे बड़ी बात है कि चाइना में ये X50 के नाम से कुछ गया था। क्या प्राइसिंग होगा, क्या स्पेसिफिक, उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। कहा जा रहा है इस महीने मतलब नवंबर में नहीं, अगले महीने दिसंबर में ये लॉन्च होगा। वैसे BIS पे भी करीब करीब 10 दिन पहले का लिस्ट हो चुका, तो इंडिया लॉन्च कंफर्म हो चुका है इसका। स्पेसिफिकेशन डिसेंट है, मेरे ख्याल से वन ऑफ दो स्मार्टफोन होगा, बहुत रेयर। शायद इंडिया में कोई स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 के ऊपर आया नहीं है, ये पहला हो सकता है। देखेंगे क्या होता है, बहुत सारे लोग वेट करते थे इस चिपसेट का, अभी तक कोई स्मार्टफोन आया नहीं इंडिया में। जैसे मैंने कहा स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 के ऊपर आएगा। स्कोर की बात करोगे तो ये करीब करीब 4.5 लाख के आसपास, 5 लाख के आसपास का स्कोर देता है। मतलब Dimensity में अगर आप जाते हो तो 920-930 थे ना, उससे थोड़ा सा बेटर है। स्नैपड्रैगन 778G था ना, उसके अप्रॉक्स का, उससे थोड़ा नीचे समझ लो, स्लाइट ऑलमोस्ट उतना ही समझो। परफॉर्मेंस सही है, एंड्रॉइड 13 के ऊपर आएगा, उनका खुद का OS है तो उसके ऊपर आने वाला है। ब्लूटूथ ज्यादा नहीं मिलते, क्लीन रहता है, तो आपको एक्सपीरियंस तगड़ा मिलेगा, वहां पे कोई इशू नहीं रहेगा। डिस्प्ले की बात करोगे तो इसमें आपको 6.78 इंच का 120Hz का कर्व डेमुलेट पैनल है, एंड वो कर्व डेमुलेट जो है ना, ये गिरेगा तो टूटेगा नहीं, ऐसा कहते हैं ये लोग, ये रबर के टाइप का, कुछ बाउंस वाउंस हो जाता है क्या, तो कुछ टेक्नोलॉजी बताया था हम लोगों ने। चलिए अच्छी बात है, रियर साइड पे ट्रिपल कैमरा है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, पसंद आएगा, आएगा तो पसंद आएगा, डिजाइन के हिसाब से तो अच्छा लगेगा आपको। चलिए अच्छी बात, डिस्प्ले डिजाइन भी अच्छे हैं, वहाँ पे भी इशू नहीं। कैमरा की बात करोगे तो 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा है, 108+5+2 का OIS नहीं है, 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। कहते हैं उनका ऑप्टिमाइजेशन तगड़ा होता है, लेट्स सी, देखते हैं लेकर आते हैं, वैसे पता चलेगा कैसा लेकर आते हैं। कैमराज भी सही होने वाले हैं, डिसेंट है। बैटरी बड़ी है, 5800mAh की बैटरी है, 35W का फास्ट चार्जर है, एंड टाइप सी का पोर्ट। अब चार्जर इसमें देंगे कि नहीं देंगे ये बड़ी बात होगी, लेकिन 35W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, एंड बड़ी बैटरी है, 5800mAh की बड़ी बैटरी है, ये भी सही है, यहाँ पे इश्यूज नहीं है। सेंसर्स की बात करोगे तो 3.5mm जैक नहीं रहेगा, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर रहेगा, कार्ड एक्सपांड नहीं कर पाओगे, एंड बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, एक्सेलेरोमीटर, एम्बेड लाइट सेंसर, स्टीरियो स्पीकर्स एंड सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, वहां पे कोई इशू नहीं रहेगा। चलो अच्छी बात है। प्राइसिंग चाइना में जो X50 गया ना, उसकी प्राइसिंग, उसमें 4 वेरिएंट है, 8128 जो कि 1400 UN यानी करीब करीब 16,000 पे हुआ है, 8256 है 1600 UN जबकि करीब 18-19,000 के आसपास हो गया, फिर 12256 है जो कि 1800 UN यानी करीब करीब 21-22,000 के आसपास समझ लो, एंड 16512 GB है जो कि 2000 UN यानी करीब करीब 24,000 के आसपास समझ लो। लेकिन जो जैसे मैंने कहा कि गल्फ कंट्री एंड मलेशिया में गया, तो मलेशिया के प्राइस की बात करोगे तो वहाँ जो उनका 12256 वाला है ना, वो वहाँ पे लॉन्च हुआ था करीब करीब 1800 उनकी करेंसी में, तो उसको अगर कन्वर्ट करते तो 27,000 रुपये होते हैं, 12GB 256GB है, उससे छोटा वेरियंट आएगा, लेकिन वो ऑफर में ना 1100 वहाँ की करेंसी में आ गया था, तो उसको अगर कन्वर्ट करते हो तो ये 18-19,000 के आसपास होता है, ठीक है, तो 19,000 के आसपास, तो ये थोड़ा सा अपने को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी एक महीना भी ना लॉन्च हो गया, सडन उस प्राइस पे आ गया, लो कर दिया प्राइस उन लोगों ने। तो मेरे हिसाब से अगर इस प्राइस पे आता है ना, 20,000 के नीचे, 8128 अगर ये 18 से 20 के नीचे लेकर आते हैं, फिर उसके बाद अगर वो करें ना, तो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काफ़ी सही स्मार्टफोन हो सकता है। लेकिन ऑनर ने काफ़ी महंगा लॉन्च किया इंडिया में, आई विश की अच्छी प्राइस पे लेकर आए। जैसे और भी इन्फॉर्मेशन पता चलेंगे बता दूंगा, वेट करोगे इनका जरूर बताना कैसा लगा आपको, एंड कहा जा रहा है दिसंबर मंथ में ही आएगा, अगर ये 18 से 20 के बीच में आता तो आपको लोगे या नहीं इसको जरूर बताना इस स्पेसिफिकेशन के साथ। कैसा लगा वीडियो बता देना भाई, पसंद आया मैंने शेयर कर देना, नहीं पसंद है डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है, और भी बहुत सारे वीडियोज हैं उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, साइड में बैक टाइम उसको क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड सपोर्ट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया, साथ दोस्तों जय हिंद।